लैपटॉप्स तो मुझे आप लोग का दिखेगा कि आप कब हैंड रेज कर रहे हो, ठीक है? देर इज एन ऑप्शन ऑफ रेजिंग योर हैंड इन गूगल मीट, सो डू दैट, या फिर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आई कैन सी द चैट बॉक्स, एंड डू नॉट अनम्यूट योर सेल्स इफ आई डोंट आस्क यू टू, एंड हमेशा अपना वीडियो ऑन रखना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. ठीक है, सो वील बी स्टार्टिंग विद आर प्रोग्रामिंग क्लास टूडे. थोड़ा इंट्रोडक्शन में जाते हैं कि एग्जैक्टली आर प्रोग्रामिंग होता क्या है. सो आर प्रोग्रामिंग इज अ सॉफ्टवेयर, इज अ टूल विच इज वेरी वाइडली यूज, नॉट ओनली इन, वन सेकेंड, तो आर प्रोग्रामिंग इज द मोस्ट, यू कैन से, वाइडली यूज टूल, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स, बट हर फील्ड में इसका काम आ सकता है, जस्ट बिकॉज देर आर अ फ्यू एडवांटेजेस. सबसे पहला तो इट इज़ वेरी 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 फ्लेक्सिबल, इन द सेंस कि आप इसमें कैसे भी कोई भी टाइप का डेटा यूज कर सकते हो, एंड इसके जो फंक्शंस होते हैं, देर आर अनलिमिटेड फंक्शंस फॉर विच यू कैन यूज आर प्रोग्रामिंग. इट इज फ्री एंड ईजी टू डाउनलोड, विच मेक्स इट इवन मोर बेटर, क्योंकि कोई भी, इवन बेटर क्योंकि कोई भी इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं. एनी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एनी पर्सन ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस कैन डाउनलोड एंड यूज आर प्रोग्रामिंग. प्लीज समवन राइट इन द चैट बॉक्स दैट आई नॉट बी अलाउइंग एनी वन एल्स इन द क्लास नाउ. ओके, सो बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. इट हैज बीन वाइडली यूज. लेट अस वेट फॉर 2 मिनट एवरीवन टू जॉइन इन, क्योंकि मैं उसके बाद किसी को अलाउ नहीं करने वाली. एंड वी विल स्टार्ट अगेन. Yes, you will obviously need your PC or laptop to work along with me, Shreyansh. Okay, so now we can start now. I will not be allowing anyone else to join the class. ओके, सो
आर प्रोग्रामिंग, अगेन आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. आर प्रोग्रामिंग एक बहुत ही फन टूल है जो हम लोग सीखने वाले हैं. इसमें हम लोग खाली स्टेटिस्टिकल साइड या स्टेटिस्टिकल एस्पेक्ट नहीं, हम लोग इनफैक्ट सब कुछ देखेंगे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन आर. फर्स्टली बिकॉज इसमें इनन्यूमरेबल पैकेजेस हैं, वाटा पैकेजेस हम लोग इसमें आएंगे, इनन्यूमरेबल फंक्शंस हैं. आप एक कोई भी टाइप का ग्राफ बना सकते हो, उसको इंटरप्रेट, इवन 3D ग्राफ्स आर पॉसिबल इन आर प्रोग्रामिंग. ठीक है, इट इज वेरी स्मार्ट एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज दैट इट इज फ्री एंड इजी टू डाउनलोड, विच मीन्स दैट विच मीन्स तो विच मीन्स दैट कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे हो या फिर कोई भी छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, इजीली आर डाउनलोड कर सकते हैं. ना इसका ये मतलब नहीं कि ओनली एट अ वेरी लो लेवल हम आर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं या फिर यूज करते हैं. इवन द कंपनीज, बिग एमएनसीज, दे ऑल्सो यूज आर प्रोग्रामिंग बिकॉज इसका जो यूजेज है इज वेरी ह्यूज. एंड ऑल्सो बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स होते रहते हैं. लाइक यू रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एवरी मंथ और एवरी डे देर इज अ न्यू पैकेज, देर इज अ न्यू फंक्शन विच एनी वन, कोई भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी अगर खुद का एक पैकेज या खुद का एक फंक्शन बनाते हैं, सो दैट इज ओपनली अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस टू यूज. सो इट हैज एन ओपन प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू बींग अ प्रोग्रामर, आप अगर खुद का कोई पैकेज बना रहे हो, आप खुद का कोई फंक्शन बना रहे हो, यू कैन इजिली पुट इट ऑन द इंटायर पोर्टल फॉर एवरी वन टू यूज इट. सो इट इज नॉट ओनली यू हु विल यूज इट, बट एवरी वन हु कैन ओपनली यूज दोज फंक्शन एंड दोज पैकेजेस, राइट? इट हैज बीन वाइडली इन यूज सिंस 25 years. फर्स्टली बिकॉज इट इज वेरी 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 फ्रेंडली टू यूज. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रोग्रामिंग है थोड़ा डिफिकल्ट होगा, नहीं, बहुत बेसिक होता है. इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर आपको कोई फंक्शन नहीं समझ आ रहे, यू कैन इजिली सर्च फॉर इट. कोई भी फंक्शन का आप नाम लिखोगे, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, उसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे कि उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, एंड सो दैट यू कैन अप्लाई इट इन योर ओन वर्क. इट इज वेरी 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 फ्रेंडली. फर्स्टली बिकॉज येस, आप इसमें कोई भी फंक्शन, अब सपोज मुझे एक फंक्शन का खाली नाम पता है, मे बी आई डोंट नो द यूसेज, तो मैं उसको टाइप कर सकती हूँ एंड आई कैन गेट द इंटायर डिटेल्स ऑफ इट. और मे बी आई नो दैट आई वॉन्ट टू डू समथिंग बट आई डो नॉट नो कि उसके लिए फंक्शन क्या होगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आप वो भी ढूंढ सकते हो कि इसके लिए क्या फंक्शन है, इस पूरे प्रोसेस के लिए क्या फंक्शन है. सो इट बिकम्स रियली सिंपल टू यूज, राइट? इट हैज़ ऑब्वियसली एडवांस्ड स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज एंड दैट इज द मेन रीजन कि इसमें हम मशीन लर्निंग, इसमें हम सारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्टेटिस्टिकल जितने भी टेस्टिंग होते हैं, वो सब कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग सब इसमें ईजिली कर सकते हैं. एंड यू कैन से टाइम सीरीज एनालिसिस, फोकास्टिंग कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कर सकते हैं. एंड यू कैन से दैट इट इज बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज फीचर्स, आर प्रोग्रामिंग इज स्टिल वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर, लीडिंग प्रोग्रामिंग टूल्स विच इज़ यूज अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स, राइट? तो मूविंग ऑन, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं? सो फॉर दोज हु आर डाउनलोडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू कैन आइदर फॉलो इट अलॉन्ग विथ मी, और वॉट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट मेक द नोट्स एंड जस्ट आफ्टर द क्लास यू कैन ट्राई डाउनलोडिंग. देर इज नो नो इश्यू एट ऑल. तो सबसे पहले आर में हम लोग दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने वाले हैं. सबसे पहला इज आर जी यू आई विच इज अ नॉर्मल इंटरफेस. उसमें हम लोग वर्क नहीं करेंगे, दैट इज द बेसिक वर्जन ऑफ आर. हम लोग वर्क करेंगे आर स्टूडियो में, ठीक है? आर स्टूडियो इज नथिंग बट एन आई डी ई. वॉट इज आई डी ई? आई डी ई इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट फॉर आर. सो इट्स बेसिकली कि हमारे पास एक बेंचमार्क है, हमारे पास एक बेसिक टूल है आर का, अभी हम लोग देखेंगे. उसके ऊपर देर इज आर स्टूडियो विच इज बिल्ट ऑन एंड वी विल बी वर्किंग ऑन द आर स्टूडियो, ठीक है? सो दैट इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इट. नाउ लेट अस स्टार्ट बाय फर्स्ट डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग. दिस इज द मेजर पोर्शन. आर को इंस्टॉल करना इज वेरी 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 सिंपल. अगेन वी आर गोइंग टू डाउनलोड टू सॉफ्टवेयर. एक है बेसिक आर, ठीक है, बेसिक आर सॉफ्टवेयर जो होता है, एंड एक है आर स्टूडियो. We'll be working on our studio, but you all should also understand कि basic R का interface कैसा दिखता है, तो हम वो भी download करेंगे. So these are the two websites, you can just write it down anywhere. These are the two websites.
सबसे पहले तो हम इस पे क्लिक करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इट विल टेक टाइम टू ओपन। ओके, सो ऐसा क्रैन, वॉट इज क्रैन? क्रैन इज कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। दिस इज द नेटवर्क फॉर ऑल द आर प्रोग्रामिंग यूजर्स। जैसे मैंने बोला कि अगर हम कोई फंक्शन डेवलप करते हैं या फिर हम कोई सार्थक वील कम टू द डिफरेंसेस, हम अगर कोई फंक्शन डेवलप करते हैं, हम अगर कोई पैकेज डेवलप करते हैं, सो इट इज ऑल अपलोडेड हेयर ऑन द क्रैन, विच इज द नेटवर्क, आर नेटवर्क फॉर ऑल द यूजर्स ऑफ आर, एंड देन वी कैन ईजीली एक्सेस दोज पैकेजेस। ठीक है, सो एज यू कैन सी आई एम वर्किंग ऑन विंडोज। इफ यू आर वर्किंग ऑन मैक तब आपके लिए ये वाला है, अगर आप विंडोज पे वर्क कर रहे हो तो आपके लिए ये वाला है। सो यू जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड आर फॉर विंडोज एज आई एम वर्किंग ऑन माई विंडो लैपटॉप, बट अगर आपका मैक है सो इट विल बी एग्जैक्टली द सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो जस्ट क्लिक ऑन द विंडोज। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू क्लिक ऑन इज दिस बेस विच यू सी ओवर हियर। सो यू कैन क्लिक ऑन दिस बेस। आई होप यू ऑल आर राइटिंग डाउन द स्टेप्स, अगर आपके आर ऑलरेडी डाउनलोडेड नहीं है, राइट? ओके, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बेस वंस, और यू कैन क्लिक ऑन दिस मिरर्स ऑल्सो। मिरर्स में आपको अपना कंट्री ढूंढना पड़ेगा विच इज इंडिया, विच इज इंडिया, एंड जाके वहां से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बट द बेटर वर्जन विच आई प्रेफर इज दिस बेस पे क्लिक करना, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस डाउनलोड आर 4.0.5, वॉट एवर द वर्जन इज, एवरी टाइम इट इज गेटिंग अपडेटेड। सो मे बी इफ यू आर डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग इट आफ्टर 2 months, तो ये 4.0.6 आ जाए। मे बी आप थोड़े दिन और बात करो तो 7 आ जाए। सो इट विल कीप ऑन अपडेटिंग, इट विल कीप ऑन चेंजिंग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर अपडेट के साथ देर इज अ न्यू चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज विच कम्स इन, सो देर इज नो इशू। आई विल सजेस्ट कि आप लोग सबसे नया वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लो, ठीक है? सो अभी मेरे लैपटॉप में ये वाला सबसे नया वर्जन दिखा रहा है, ठीक है? तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस एक फाइल डाउनलोड होगा। आई एम नॉट गोइंग टू इंस्टॉल दैट, आई एल जस्ट शो यू, आई एल नॉट डाउनलोड दैट, आई एल शो यू कैसा दिखता है। सो इट समवॉट लुक्स लाइक दिस, सो इट समवॉट लुक्स लाइक दिस, ठीक है? अब इसको जब ये आपका डाउनलोड हो गया, इसको आपको क्लिक करना है, दिस इज द इंस्टॉलर, ठीक है? दिस इज द इंस्टॉलर, इस पर आपको क्लिक करना है सेटअप पे, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन येस। द मोमेंट यू क्लिक ऑन येस, अब इसके बाद जितने भी स्टेप्स आएंगे आपको खाली ओके ओके पे क्लिक करना है, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड तो मेरे में ये वाला चीज आ रहा है, अदरवाइज यू विल जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड आपका नेक्स्ट होते जाएगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट, देखो द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे 32 एंड 64 बिट के फाइल्स है, मीनिंग अगर आपका लैपटॉप 32 बिट को सपोर्ट करते हैं, 64 सपोर्ट नहीं करते, सो यू कैन सिंपली जस्ट गो फॉर 32 बिट। बट अगर यू हैव द लेटेस्ट लैपटॉप, अगर आपका नया लैपटॉप है तो आजकल सारे लैपटॉप 64 बिट को सपोर्ट करते हैं, सो यू कैन जस्ट लीव, दोनों को टिक करके आप छोड़ सकते हो, देर इज नो इश्यू, दोनों को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट, ये होगा नो एक्सेप्ट डिफॉल्ट, इसको क्लिक करना नो में, एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, येस आई वॉन्ट टू क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, आई विल क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। आई एम नॉट क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट करेंटली, क्योंकि नेक्स्ट करने से ये मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट, सो आई विल नॉट इंस्टॉल इट अगेन। आपको ये नेक्स्ट क्लिक करके फिनिश क्लिक करना है, तो आपके लैपटॉप में आर आर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? एवरी वन क्लियर? आई होप सबने स्टेप्स लिख लिए। डू नॉट वरी, आई विल सेंड द पीपीटी जस्ट आफ्टर द क्लास। तो अगर आपने वेबसाइट का नाम नहीं लिखा है, यू विल गेट द लिंक, ठीक है? ओके, द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डाउनलोड, द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डाउनलोड इज आर स्टूडियो। सो वॉट इज आर स्टूडियो, वील कम टू द डिफरेंस। अब हम इस पे क्लिक करेंगे एंड वील
डाउनलोड द आर स्टूडियो. सो दिस आर स्टूडियो इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग वर्क करने वाले हैं फॉर आर कमिंग क्लासेस. वील बी वर्किंग ऑन द आर स्टूडियो. ऐसा कुछ आपका पोर्टल खुलेगा. यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स. यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स. इसमें आपको क्लिक करना है आर स्टूडियो पे. इज एनी वन, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, इज एनी वन डाउनलोडिंग आर प्रोग्रामिंग विथ मी. अगर ऐसा है सो आई विल वेट फॉर यू ऑल टू डाउनलोड. एक बार प्लीज चैट बॉक्स पे लिख दो. ओके, सो आई विल गिव यू द लिंक. आई विल गिव यू द लिंक ऑन द चैट बॉक्स ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. These are the two links. These are the two links. पहले में मैंने समझा दिया आर कैसे डाउनलोड करते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग विच वील डाउनलोड इज आर स्टूडियो. जो भी मेरे साथ डाउनलोड कर रहे हैं उनका हो गया क्या? आर डाउनलोड हो गया क्या? ग्रेट ग्रेट. चलो, सो नेक्स्ट इज आर स्टूडियो. क्लिक ऑन दिस प्रोडक्ट्स. इसमें आप आर स्टूडियो में जाओ. ठीक है, आर स्टूडियो आ गया. सो इट टेक्स अ बेटर कंट्रोल ऑफ योर आर कोड्स. इट्स अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर आर. नाउ व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट? सो बेसिकली आर जो है इट्स अ बेसिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके सारे फंक्शंस एंड पैकेजेस हैं, विच इज द बेसिक प्लेटफॉर्म. अब उस बेसिक प्लेटफॉर्म पे दे हैव डेवलप्ड अ बेटर वर्जन, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर प्लेस वेर यू कैन वर्क प्रॉपरली. आई विल वो अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा. सो दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ वर्किंग एंड जितने भी फंक्शन मेन आर में आपके हैं, एवरी थिंग इज प्रेजेंट इन योर आर स्टूडियो. सो देर इज नो डिफरेंस इन दैट. ओके, सो यू विल जस्ट स्क्रोल डाउन अ बिट. इसमें आर स्टूडियो डेस्कटॉप है, इस पर क्लिक करना है हमें. एंड देन हियर डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप. क्लिक ऑन दैट. क्लिक ऑन दैट. ओके, स्क्रोल करो थोड़ा सा नीचे. यहाँ पे डाउनलोड है, इस पर क्लिक करो. And then there is R for Windows and there is R for Mac. Okay, so you can select. Agar aap Mac mein kaam kar rahe ho, you will download this. If you are working on Windows, you will download this. Again, the version keeps on changing. Abhi ka latest version is 1.4.1106. It might update. It might get updated later on. If you are downloading it after 2 months, maybe. So इसका दूसरा वर्जन आ जाएगा. नॉट एन इश्यू एट ऑल. जो भी सबसे नया वर्जन है, यू हैव टू डाउनलोड दैट. ओके, वील क्लिक ऑन दिस. द मोमेंट वी क्लिक ऑन दिस, ऐसा कुछ सेटअप डाउनलोड होगा. आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट इन माई लैपटॉप, तो अगेन आई नॉट डू इट. आई जस्ट क्लिक ऑन कैंसिल. फॉर यू ऑल, यू विल हैव टू डाउनलोड. नाउ दीज आर कॉल्ड द exe फाइल्स, विच आर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. So these are explanations जो आपको पता होना चाहिए अगर आप R programming आपको आता है, right? So these are exe files which is known as executable files. ठीक है, तो मैंने अभी क्या डाउनलोड करा? मैंने ये R studio का executable file डाउनलोड करा. I will click on this file. Again, yes. Click on next. Next, and the moment I click on install, मेरे लैपटॉप में R Studio इंस्टॉल हो जाएगा. सो इट इज सो सिंपल टू इंस्टॉल. कुछ नहीं करना था, खाली नेक्स्ट 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 आपको करना है. कुछ सेटअप आपको चेंज नहीं करना है. एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल. ठीक है, R Studio इंस्टॉल करना इज द इजिएस्ट थिंग विच वील डू. इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी टू इंस्टॉल.
अभी के लिए आई एम क्लिकिंग ऑन कैंसिल क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने लैपटॉप में, सो आई विल नॉट डू इट अगेन. सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन एग्जिट. डन. ठीक है, एक बार यहाँ तक सबका हो जाए प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यस कंफर्म कर दो. फॉर वंस हु आर डूइंग इट विथ मी, दिस इज फॉर द वंस हु आर डूइंग इट विथ मी. Yes, Devansh, if your laptop doesn't support 64-bit, it is completely fine. Not an issue at all. Okay, तो मुझे yes मिल गए हैं कुछ. Okay, great. तो after this, now moving on to the differences between the two. अब इसको open कैसे करते हैं? जो आपने पहले R base जो आपने download करा था, this is the two things which have come up. एक है 32-bit और एक है 64-bit. दोनों में से कोई भी ओपन करूं, मैं 64-bit ओपन करती हूँ, एकदम एग्जैक्टली सेम इंटरफेस दिखेगा. तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा वंस यू ओपन. दिस इज द बेसिक आर, RGUI विच मीन्स ग्राफिक यूजर इंटरफेस. ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्योर है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस. सो this something or this small box which opens up is known as R console. इसको हम बोलते हैं R console. Here R console. अब this is the place जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं. ठीक है, तो suppose let us write a very first code 3 plus 2. एकदम basic, मैंने कुछ नहीं लिखा है, एकदम basic लिखा है मैंने 3 plus 2, दैट इज इट. स्पेस आप दो नहीं दो, आर में स्पेसेस डजंट मैटर. 3 plus 2 एकदम बेसिक सा मैंने लिखा है. इन ऑर्डर टू रन दिस यू हैव टू क्लिक ऑन एंटर. जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करोगे, एंटर पे क्लिक करते देखो ये रन हुआ, एंड व्हाट आर यू गेटिंग? 3 plus 2 5. एक और चीज, 3 plus 2 इज कमिंग इन रेड, ब्लू में आपका आंसर आ रहा है. सो इससे हमें समझ में आता है कि कोड इज इन रेड, आंसर इज इन ब्लू. वन मोर थिंग, यहाँ पे यू कैन सी दिस ग्रेटर देन का साइन. दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट, लिख लो, दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट. ठीक है, दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट. राइट, ओके. सो दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट, राशि, कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये है आर कंसोल. अब आप इसमें कोई भी कोड लिखोगे वो सेव नहीं होगा. ठीक है, बट अगर हमें फ्यूचर के लिए सेव करना है अपना कोई कोड, तो हम अपना कोड किस में लिखेंगे? आर स्क्रिप्ट में. किस में लिखेंगे? आर स्क्रिप्ट. नाउ हाउ टू गेट आर स्क्रिप्ट? जस्ट क्लिक ऑन दिस फाइल, न्यू स्क्रिप्ट, एंड ये हमारा आर एडिटर या फिर आर स्क्रिप्ट ओपन हो गया. अगेन दिस इज अ प्लेस वेर यू कैन राइट द कोड्स. सो अगेन आई विल राइट 3 plus 2. इट इज कमिंग इन ब्लैक. ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू रन दिस, नाउ इन ऑर्डर टू रन दिस, इसको हम रन कैसे करते हैं? इसमें कंट्रोल प्लस आर बटन यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस आर. जैसे ही आप कंट्रोल प्लस आर यूज करोगे, देखो हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे आपका आंसर नहीं आएगा, आंसर विल कम इन द कंसोल. इसमें हमारा खाली कोड आता है. सो इन द आर एडिटर और इन द आर स्क्रिप्ट यू जस्ट गेट द कमांड, यू डोंट गेट द आंसर. कंसोल में आपके सोल्यूशन, आपका कोड एंड आपका आंसर दोनों आता है.
समझ रहे हो डिफरेंस? आर एडिटर या फिर आर स्क्रिप्ट में यू जस्ट गेट द कोड, इधर पे यू गेट बोथ. क्लियर? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन आर एडिटर? यू कैन जस्ट सेव दिस. अगर मैं इसको क्रॉस करूँ ना, ये हमसे पूछेगा डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस, आई कैन से येस और नो, इट्स अप टू मी. ठीक है, तो हम इसको फ्यूचर पर्पज के लिए सेव कर सकते हैं, दैट इज द डिफरेंस. ये था हमारा बेसिक सा आर का ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस. क्लियर? क्लियर? बट हम लोग इसमें काम नहीं करेंगे, हम लोग इस पे काम नहीं करेंगे. देख के बहुत डर लग रहा है, बहुत ही बोरिंग सा लग रहा है, बट जैसे ही आप आर स्टूडियो देखोगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. यू विल लव वर्किंग ऑन आर स्टूडियो. आई हैव नेवर एवर वर्कड ऑन दिस बेसिक आर, नेवर. आई हैव ऑलवेज यूज्ड आर स्टूडियो एंड ऑल ऑफ अस, वी ऑल यूज आर स्टूडियो. क्लियर? ओके, सो लेट मी जस्ट क्लोज दिस नाउ. नेक्स्ट थिंग विच वील ओपन अप इज आर स्टूडियो, जो सर उसके लिए हमने इंस्टॉल कर लिया था. इफ यू रिमेम्बर, यू जस्ट हैव टू टाइप आर एस एंड ये आपका आ जाएगा आर स्टूडियो. जस्ट सर्च में टाइप करो आर एस, तो वील ओपन दिस आर स्टूडियो. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके, सो आर स्टूडियो आई होप सबने खोल लिया है, इफ यू ऑल आर वर्किंग विथ मी. अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट्स, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द नोट्स. सो दिस इज हाउ योर आर स्टूडियो विल लुक लाइक. यहाँ पे एक अगेन कंसोल है जैसे उसमें था. साथ में देर आर न्यू न्यू टू टैब्स विच हैज ओपन अप. ये साइड में दो टैब्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बट दिस कंसोल विच यू सी इज एग्जैक्टली द सेम विच वी डिड पहले. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आई विल राइट 2 + 3. ठीक है, अगेन इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट हम क्या क्लिक करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं. कंसोल में कुछ भी रन करना है क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे. एंटर प्रेस किया, वी आर गेटिंग द आंसर एज 5. क्लियर? क्लियर? दिस इज द बेसिक आपका वर्जन ऑफ आर स्टूडियो. नाउ द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट थिंग, क्या इसमें भी आर स्क्रिप्ट है? क्या इसमें आप कंसोल को सेव कर सकते हो? नहीं, आप कंसोल को सेव नहीं कर सकते. तो इसमें भी हमारे पास आर स्क्रिप्ट होता है. हाउ टू गेट अ न्यू आर स्क्रिप्ट? देर आर टू वेज टू डू इट, इनफैक्ट 3 वेज टू डू इट. आप इस पे क्लिक करो फाइल, आप इस पे क्लिक करो फाइल एंड यू कैन क्लिक ऑन ओपन फाइल. ठीक है, और यू कैन क्लिक ऑन न्यू फाइल. न्यू फाइल, ओपन फाइल हम सीखेंगे विद टाइम, अभी आज नहीं. यू कैन क्लिक ऑन न्यू फाइल एंड यू कैन क्लिक ऑन आर स्क्रिप्ट. ठीक है, दिस इज द 1 वे टू डू इट. जैसे ही आपने किया, यू विल सी अ न्यू pane which comes up, new tab which comes up, which is your, यहाँ पे लिखा हुआ है ना untitled, so basically this is your R script, this is your R script. रन नहीं हो रहा, कहाँ रन नहीं हो रहा महक? आपका कंसोल में रन होगा बट आर स्क्रिप्ट में नहीं रन होगा. आर स्क्रिप्ट में यू हैव टू टेक योर कर्सर वहीं पे उस पर्टिकुलर फंक्शन के एंड पे एंड यू हैव टू क्लिक ऑन कंट्रोल आर टू रन इट. ठीक है, ओके, सो दिस इज द स्क्रिप्ट विच ओपन्स अप, दिस इज द स्क्रिप्ट विच ओपन्स अप.
एक बार ट्राई करो प्लीज रन करने का वापस से. नाउ अगेन, अब इसमें भी हम सिंपली लिख सकते हैं 3 + 2 मेरा कोड जो है. एंड यहाँ पे रन करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन कंट्रोल प्लस एंटर. कंट्रोल प्लस एंटर क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल आर नहीं, कंट्रोल एंटर, बिकॉज दिस इज द आर स्टूडियो. तो आर स्टूडियो में वर्क करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन कंट्रोल प्लस एंटर. ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर. एंड अगेन एज दिस इज द आर स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे देखो आंसर नहीं आया. आंसर कहाँ आ रहे? मेरे कंसोल में आ रहे, मेरे कंसोल में आ रहे. क्लियर? सो दिस इज द कोड, दिस इज द कमांड, दिस इज माई आंसर. दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट जो हमें बताता है कि इसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो एक कमांड है. एंड दिस इज द आंसर. अभी 1 क्यों आ रहा है ये हम विद इन सम डेज, मे बी कल ही सीख जाएंगे कि 1 क्यों आ रहा है. हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है, नॉट फॉर टुडे. सो दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट. क्लियर? इसको रन कैसे किया हमने? कंट्रोल एंटर. और क्या तरीका है? पूरे को सिलेक्ट करो, पूरे कोड को सिलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन रन. पूरे कोड को सिलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन रन. देखो एग्जीक्यूट हो जाएगा. क्लियर? क्लियर? यस खुशी. और क्या डाउट है प्लीज चैट बॉक्स. मैम, ये मैंने क्लास पहले करा हुआ है तो ये वाला चीज मेरे लैपटॉप में एक्चुअली नॉट नहीं हो श्योर, रहा यू है। प्लीज यूज द चैट बॉक्स. तो इसको पूरे को हम सिलेक्ट करके वील क्लिक ऑन रन. क्लियर? दैट इज हाउ यू रन इट. और कैसे हम स्क्रिप्ट ओपन कर सकते हैं? यहाँ पे आपको प्लस साइन दिख रहा है, इस पे क्लिक करो. यू कैन गेट अ न्यू स्क्रिप्ट और यूज द शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एन. अगेन अ न्यू स्क्रिप्ट ओपन अप. कंट्रोल शिफ्ट एन. कंट्रोल शिफ्ट एन. खुशी कहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है प्लीज स्पेसिफाई करो. इन विच प्लेस योर कोड इज नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड प्लीज स्पेसिफाई. क्लियर? तो ऐसे हम नए स्क्रिप्ट को ओपन कर सकते हैं. हाउ डू यू सेव इट फॉर फ्यूचर यूज? क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस सेव. क्लिक किया इस पे. नाउ वेर एवर यू वॉन्ट टू सेव इट जस्ट लिखो डेमो. ठीक है, हमने नाम दिया है, हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं इसे. हम इसको नाम दे रहे हैं डेमो का एंड हम इसको सेव कर रहे हैं. अब देखो यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया है, डेमो डॉट आर. डॉट आर इज द एक्सटेंशन फॉर एनी आर का स्क्रिप्ट. जैसे आपका एक एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट xlsx, वैसे आपका आर स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है डॉट आर. क्लियर? क्लियर? ठीक है. यस खुशी. सबको सिलेक्ट करके यू हैव टू क्लिक ऑन दिस आर एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा आपका कंसोल में. यू विल गेट योर आंसर इन द कंसोल. ठीक है, ओके. नाउ अब मैंने इसको सेव किया है अपने स्क्रिप्ट को. चलो इसको क्लोज करते हैं. वापस लेट अस ट्राई टू ओपन द सेम स्क्रिप्ट विच वी सेव्ड. कैसे ओपन करते हैं? कैसे? खुशी प्लीज ट्राई इट एंड लेट मी नो. कंट्रोल एस से भी सेव होगा? यस यस. तब आपने अच्छे से सिलेक्ट नहीं करा है खुशी. आई विल शो यू अगेन कैसे करते हैं. फाइल पे क्लिक करो एंड क्लिक ऑन ओपन फाइल. फाइल पे क्लिक करो एंड क्लिक ऑन ओपन फाइल.
ब्राउज करो कहाँ से आपको ओपन करना है. डेस्कटॉप पे है डेमो फाइल, आई क्लिक ऑन दिस ओपन एंड देखो मेरा डेमो फाइल ओपन हो गया. ठीक है, नाउ टू सॉल्व खुशीज प्रॉब्लम आई विल टाइप, दो तीन और कमांड मैं लिख देती हूँ. ठीक है, नाउ लेट अस जस्ट सिलेक्ट ऑल ऑफ दीज थ्री कोड्स. लेट अस जस्ट सिलेक्ट ऑल ऑफ दीज थ्री कोड्स एंड जस्ट क्लिक ऑन द रन बटन अगेन. देखो सारे कोड्स रन हो गए, सारे कोड्स रन हो गए. आर यू स्टिल फेसिंग द सेम प्रॉब्लम? इफ येस देन आई विल टेक इट आफ्टर द क्लास. ओके, सारे को सिलेक्ट करके क्लिक ऑन रन. फाइन, सो दैट इज हाउ यू सेव अ फाइल. अब देखो यहाँ पे आपने चेंज किया था ना, आपने अपने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए थे. क्यों, आपने क्या चेंजेस किया? आपने ये दोनों नया लाइन ऑफ कोड्स लिखा, तो इसीलिए यहाँ पे आपको एक स्टार मार्क दिख रहा है. सो दिस इज द स्टार मार्क विच यू गेट आफ्टर यू मेक एनी चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट. आपने जब सेव करा था, आपने खाली 3+2 तक सेव करा था. यू आर राइटिंग टू न्यू लाइन्स ऑफ कोड, तो इसके वजह से आपको वापस से सेव करना पड़ेगा. आइदर यू कैन क्लिक ऑन कंट्रोल एस, विच इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ सेविंग योर वर्क, और यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन अगेन. सो द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस बटन अगेन, आपका देखो फाइल सेव हो गया, आपका देखो फाइल सेव हो गया. इज देर एनी मोर डाउट इसके रिलेटेड? क्लिक ऑन दिस फाइल, क्लिक ऑन दिस ओपन फाइल, ब्राउज करो एंड आपका खुल जाएगा. ठीक है, फाइल ओपन, फाइल ब्राउज करके जस्ट क्लिक ऑन इट एंड ओपन. क्लियर? नाउ नाउ लेट अस डिग डीप इन टू द पेन्स विच वी हैव ओवर हियर, डिफरेंट पेन्स विच यू सी ओवर हियर. उसके पहले बहुत जनों को वाइट स्क्रीन पसंद नहीं है, सो यू कैन चेंज द अपियरेंस. हाउ टू चेंज द अपियरेंस? क्लिक ऑन दिस टूल्स, प्लीज राइट डाउन द स्टेप्स. क्लिक ऑन दिस टूल्स, क्लिक ऑन ग्लोबल ऑप्शंस. जैसे ही आप ग्लोबल ऑप्शंस में जाओगे, देर इज समथिंग कॉल्ड अपियरेंस. नाउ यू कैन, मेरे में आई हैव सिलेक्टेड द डिफॉल्ट थीम. आई लाइक द डिफॉल्ट थीम, मुझे ये बेटर लगता है. बट इफ यू वॉन्ट टू चेंज इट, इफ यू वॉन्ट टू चेंज इट, यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज. जनरली दे आर पीपल हु प्रेफर कोबाल्ट ऑल्सो, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो. बहुत लोग होते हैं इनको ये वाला भी बहुत पसंद आता है, तो इट्स इंटायरली अप टू यू. आई प्रेफर यूजिंग द डिफॉल्ट थीम, मैंने अपना डिफॉल्ट थीम सेट कर रखा है. इफ यू वॉन्ट टू चेंज इट, यू कैन क्लिक ऑन दिस. इससे थोड़ा सूदिंग होता है मे बी टू द आईज, एंड जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई, एंड जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई, तो ये पूरे में अप्लाई हो जाएगा. सी इट चेंजेस, द स्क्रीन चेंजेस. ओके, फॉर मी बिकॉज आई एम टीचिंग, सो दिस इज द बेटर वे, क्योंकि इससे आप सबको क्लियरली दिखता है. अदरवाइज कोबाल्ट इज अगेन अनदर थिंग विच यू कैन चूज. ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू चेंज द फॉन्ट साइज, यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज. क्लियर? यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज एज वेल, जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके. क्लियर? ओके, टूल्स, ग्लोबल ऑप्शंस, अपियरेंस, एंड यू कैन चेंज इट. नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये चार पेन क्या है? बेसिक आर में तो नहीं था, बेसिक आर तो बहुत ही सिंपल सा था. यहाँ पे यू हैव दिस आर स्क्रिप्ट. दिस इज द आर स्क्रिप्ट. यू कैन ओपन एन नंबर ऑफ आर स्क्रिप्ट, यू कैन ओपन एन नंबर ऑफ आर स्क्रिप्ट. ठीक है, कितने भी आर स्क्रिप्ट आप खोल सकते हो. दिस इज द कंसोल. आर स्क्रिप्ट में यू जस्ट गेट द कोड लाइन, यहाँ पे यू गेट कोड प्लस द answer both. This is the environment tab. This is the environment tab. Again, यहाँ से हम import करना सीखेंगे data set को. यहाँ पे there is history, which means अभी तक मैंने जितना भी codes लिखा है, वो सारे codes यहाँ display करेंगे.
अब देखो मैंने अभी तक इतने सारे जो भी आपका कंसोल में रन हुआ है वो सारे कोड्स यहाँ डिस्प्ले करेंगे इन द हिस्ट्री टैब, करेक्ट? कनेक्शंस ट्यूटोरियल वील कम टू इट लेटर ऑन, बट हिस्ट्री टैब में इज द टैब जहाँ पे आपको सारे जो भी आपके कंसोल के कोड्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। इन ऑर्डर टू क्लियर द हिस्ट्री टैब, ये झाड़ू दिख रहे हैं यहाँ पे, ब्रूम स्टिक, जस्ट क्लिक ऑन दिस ब्रूम एंड आपका पूरा हिस्ट्री टैब क्लियर हो जाएगा। इन्वायरमेंट टैब क्या होता है, वील कम टू इट इन सम टाइम, ठीक है? क्लियर? इन्वायरमेंट टैब, द नेक्स्ट इज दिस टैब, दिस इज वेरी 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 हेल्पफुल टैब, जहाँ पे ये हमारे फाइल्स हैं, हमारे लैपटॉप में जितनी भी फाइल्स है वो यहाँ डिस्प्ले करते हैं। प्लॉट्स इज द एरिया जहाँ पे हमारे सुंदर सुंदर प्लॉट्स आते हैं, ठीक है? इस प्लेस में हमारे सारे प्लॉट्स आएंगे, सो इट बिकम्स सो स्प्रेड आउट कि अगर आप यहाँ पे कोड लिख रहे हो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है, अगर आप कोई ग्राफ बना रहे हो, प्लॉट बना रहे हो, तो वो आपका यहाँ आ रहा है। तो ये सेग्रीगेशन जो है इसके वजह से इट बिकम्स रियली सिंपल फॉर अस। नेक्स्ट इज पैकेजेस, व्हाट इज पैकेजेस, वील कम टू इट, हम नया पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पैकेज को अपडेट कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ इट। हेल्प टैब, दिस इज द टैब वेर यू कैन सर्च फॉर एनी ऑफ द फंक्शन, कोई भी फंक्शन का नाम यहाँ पे सर्च करो, ऑब्वियसली द फंक्शन विच इज देयर इन आर प्रोग्रामिंग, अपना मन से आप कुछ नहीं बना सकते, सो यू कैन जस्ट सर्च ऑन इट, क्लिक ऑन एंटर एंड इसका पूरे का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज मोर हेल्पफुल, आपका आर स्टूडियो और द नॉर्मल आर इंटरफेस? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, द आर स्टूडियो विच वी आर यूजिंग करेंटली और द नॉर्मल आर GUI, ऑब्वियसली आर स्टूडियो, सो आई लव वर्किंग ऑन आर स्टूडियो इटसेल्फ, आई डो नॉट लाइक द बेसिक आर का वर्जन जो है, राइट राइट ओके ग्रेट। सो विद दिस आई हैव एक्सप्लेन यू हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू डाउनलोड। पहले हम क्या करते हैं समझो, पहले हम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स EXE फाइल्स ऑफ आर GUI एंड आर स्टूडियो डाउनलोड करते हैं, देन वी इंस्टॉल आर GUI, देन वी इंस्टॉल आर स्टूडियो इन आर लैपटॉप, ठीक है? आफ्टर दैट हम लोग इस पे वर्क करते हैं, किस पे, आर स्टूडियो पे, एंड दिस वॉज द बेसिक इंटरफेस ऑफ द इंटायर आर स्टूडियो। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके ग्रेट। सो द नेक्स्ट थिंग विच वील बी लर्निंग, विच वील बी मूविंग ऑन टू इज व्हाट इज पैकेजेस, व्हाट आर पैकेजेस? अगर आपका कुछ मिस हुआ है डोंट बी अफ्रेड, सब कुछ इधर है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको ये कंसोल क्लियर करना है, अगेन यू कैन सी अ ब्रूम स्टिक, हर जगह आपको ये झाड़ू दिखेगा। प्लॉट्स में अभी कुछ है नहीं तो ऑब्वियसली आप कुछ क्लियर कर नहीं सकते, बट येस अगर कुछ होता सो यू कैन क्लियर योर प्लॉट्स। अगर एनवायरमेंट टैब में कुछ होता यू कैन क्लियर द एनवायरमेंट टैब। यहाँ पे भी एक झाड़ू है जिसको आप क्लिक करके एकदम क्लियर कर सकते हो, और देर इज अ शॉर्टकट कंट्रोल एल, लिख लो कंट्रोल एल, सो आई जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल एल एंड मेरा पूरा कंसोल क्लियर, कंट्रोल एल, और यू कैन क्लिक ऑन दिस ब्रूम यहाँ पे एंड पूरा कंसोल क्लियर हो जाएगा। ओके सब लोग ऐसे जल्दी से थम्स अप दिखाओ मुझे, जल्दी से ऐसे थम्स अप दिखाना मुझे, सबका दिख रहा है फेस दिख रहा है, तो आप लोग सिर्फ ऐसे करो कैमरा पे, ऋषिका ऐसे करो ना, क्या हुआ? ओके ग्रेट चलो ओके द नेक्स्ट थिंग विच वी लर्न इज द पैकेजेस, ठीक है? तो इसके लिए मैंने काफी एक अच्छा फोटो ढूंढ के निकाला है, विच आई शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड, आई होप इट इज देयर, राइट? सो व्हाट इज पैकेजेस, पैकेजेस मतलब शॉपिंग करना, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, जो अलग अलग पैकेजेस आते हैं अलग अलग शेप में, अलग अलग साइजेस में, दीज आर द गिफ्ट्स विच वी रिसीव इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस,
सेम आर के केस में होता है, इसको हम इसीलिए पैकेजेस बोलते हैं, ये गिफ्ट है हमारे लिए। एंड इस पैकेज के अंदर हमारे पास और भी छोटे छोटे बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है। इसको मैंने कैसे समझाया, देखो दी देर आर दीज डिफरेंट पैकेजेस विच यू सी ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दीज आर दीज डिफरेंट साइजेस ऑफ पैकेजेस। इसके अंदर क्या है, ग्राइंडर्स है, ग्राइंडर्स है, ठीक है। अभी ग्राइंडर्स भी अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के हैं, एंड इसमें किसी में आप फ्रूट्स को ग्राइंड कर सकते हो, किसी में आप वेजीज ग्राइंड करते हो, तो अलग अलग साइज के अलग अलग ग्राइंडर्स होते हैं। किसी में आप शेक बनाते हो कुछ, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राइंडर्स। सो बेसिक बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दीज आर द पैकेजेस व्हिच आर देयर इन योर आर। इन पैकेजेस के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राइंडर्स, एंड इन फंक्शंस के अंदर हम अपना इनपुट डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वट एवर इट इज, एंड द फाइनल जूस, शेक्स एंड आउटकम जो हमें मिलते हैं, दैट इज द फाइनल रिजल्ट विच वी गेट। अब क्यों अलग अलग पैकेजेस हैं, बिकॉज अलग अलग यूज के लिए। सपोज ग्राफ्स के लिए हमारे पास होते हैं ggplot, ggplot2 इज द पैकेज जिसके अंदर काफी सारे फंक्शंस है, लाइक ggplot, gg पॉइंट्स, geom। सो दीज आर द डिफरेंट geom पॉइंट्स, बहुत सारे फंक्शंस है जो हम लोग करेंगे, geom स्मूथ, geom लाइंस, दीज आर द फंक्शंस विच इज देयर इन ggplot2 पैकेज। सिमिलरली अगर आपको डेटा मैनिपुलेशन करना है, उसके लिए देर इज अ पैकेज कॉल्ड डी प्लायर पैकेज। आपको लिखने का जरूरत नहीं है, वील डू दिस अलॉन्ग द कोर्स। डी प्लायर पैकेज, टाइडीआर पैकेज, प्लायर पैकेज, तो ये सारे जो पैकेजेस हैं, दीज पैकेजेस हैव अ लॉट ऑफ फंक्शंस, सिलेक्ट फंक्शन, ठीक है, सबसेट फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, ये सारे फंक्शंस हैं जिनका अलग अलग काम है। तो अब जब मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि कोई भी पैकेज जब आप बनाते हो, ठीक है, तो वो सबके लिए अवेलेबल होते हैं। सो देर आर पीपल हु आर कंटिन्यूअसली, देर आर प्रोग्रामर्स हु आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन आर प्रोग्रामिंग, एंड उनको लगता है कभी कि ये पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबके लिए काम आने वाले। सो दे मेक दिस इंटायर पैकेज एंड दे अपलोड इट फॉर एवरी वन टू यूज इट। कहाँ पे, क्रैल, रिमेंबर कॉम्प्रीहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, जहाँ से हमने आर GUI डाउनलोड करा था, ठीक है। सो दैट इज द प्लेस जहाँ पे सब लोग उसको अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्टकमिंग आता है कि जब हम लोग, अभी तो वी आर एट एन इंडिविजुअल लेवल, बट इफ वी हैव अ बिग MNC, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि उसका ऑथेंटिसिटी ऑफ द पैकेज थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज हमें नहीं पता ना कि ये पैकेज कौन बना रहा है, हमें नहीं पता कि किसने डाला है ये पैकेज, तो ये कितना ऑथेंटिक है, या फिर इसमें हम लोग कितना ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी डू नॉट नो, राइट, ये हमें नहीं पता। सो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज आता है कि जो कंपनीज होते हैं, दे जनरली लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट MNCs, मे बी दे डू नॉट रिलाय सो मच ऑन दीज पैकेजेस, या फिर उन लोग अपना इनबिल्ट यूज करते हैं पैकेजेस, बट एट दी एंड दीज आर वेरी 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 हेल्पफुल। Yesterday was asking if I do regression with a package, the end result will satisfy all the assumptions. May result? Yes, it will satisfy all your assumptions. Yeah, sir, इसका ये मतलब है कि आप कोई भी assumption बनाते हो, जितना हद तक आपका assumption correct है, उतने ही हद तक, उतने ही limit तक आपका answer, आपका result correct होगा. If your assumptions are wrong, then your result is also wrong. So yes, we have packages for regression. As in, we don't require a package in R. We just need a function. ठीक है, तो वो basic package में ही involved है. तो अलग से हमें कोई package install नहीं करना पड़ेगा. We'll come to it in our coming classes. Okay. So packages are something जिसके अंदर बहुत सारे functions होते हैं. और उन सब function का कोई एक particular task, कोई एक particular agenda होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू शो यू ऑल इज देर आर सर्टन पैकेजेस विच आर इनबिल्ट। देर आर सर्टन पैकेजेस विच आर इनबिल्ट। तो जब आप इस पैकेजेस में जाओगे तो ये आपको कुछ पैकेजेस यहाँ दिखेंगे जो इनबिल्ट हैं। आप ट्राई कर सकते हो अभी करने का। आपको ये कुछ पैकेजेस दिखेंगे जो ऑलरेडी इनबिल्ट हैं।
right? These are the packages which are already there and ready for you to use. मेरे मेरे पास ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा पैकेजेस है, लाइक द कैरेट पैकेज. आपको इसको आपको कैरेट पैकेज नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मेरे पास ऑब्वियसली बहुत अलग पैकेजेस हैं जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, बट दीज आर द लिस्ट ऑफ पैकेजेस विच आर ऑलरेडी देयर प्री इंस्टॉल्ड इन योर आर. अगर आपको कोई नया पैकेज इंस्टॉल करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन इंस्टॉल एंड यू हैव टू टाइप द नेम ऑफ द पैकेज. मे बी वी कैन राइट डी प्लायर पैकेज, वी कैन राइट डी प्लायर पैकेज एंड देन वील क्लिक ऑन इंस्टॉल, ठीक है? कोई भी एक रैंडम नाम नहीं लिख सकते, इट शुड बी अ पैकेज, एग्जिस्टिंग पैकेज जो आर में होना चाहिए, क्रैन में होना चाहिए, उसी को आप डाउनलोड कर सकते हो. क्लियर? ठीक है. अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज यू हैव टू राइट द कमांड इंस्टॉल डॉट पैकेजेस. हम आएंगे कमांड में, इंस्टॉल इंस्टॉल डॉट पैकेजेस. इंस्टॉल डॉट पैकेजेस एंड विद इन द कोट्स यू गिव द नेम ऑफ द पैकेज. यू गिव द नेम ऑफ द पैकेज. वंस यू क्लिक ऑन कंट्रोल एंटर, आपका ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा. पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमें उसे लोड करना पड़ता है, ठीक है? तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ. मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो आई एम नॉट इंस्टॉलिंग इट अगेन, ठीक है? मेरे में ऑलरेडी देर इज डीप्लायर पैकेज, सो इफ आई क्लिक ऑन डीप्लायर पैकेज यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट, मेरे में पहले से है. टू नाउ टू यूज दिस पैकेज, ये था इंस्टॉलेशन. टू यूज दिस पैकेज आपको कमांड देना है लाइब्रेरी एंड इसके अंदर कोट्स में नहीं लिखना, आपको खाली पैकेज का नाम देना है एंड यू हैव टू हिट रन. द मोमेंट यू रन, इफ यू नोटिस क्या हुआ, ये जो बॉक्स है ये टिक हो गया. पहले ये टिक नहीं था, पहले ये टिक नहीं था, अभी टिक हो गया, मीनिंग नाउ यू कैन यूज दिस पैकेज. ये था टू इंस्टॉल द पैकेज, ये था लोड द पैकेज इन ऑर्डर टू यूज इट. अभी के लिए अगर आप खाली ये कोड लिख के रखोगे इट्स फाइन, हम लोग लेटर ऑन व्हेन वी यूज डिफरेंट पैकेजेस तो ये काम आएगा. अभी वी मूव टू द बेसिक्स अगेन. सो दिस वॉज स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट वॉट आर पैकेजेस, क्यों इसको यूज करते हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको लोड करते हैं. क्लियर? जस्ट गिव मी अ थम्स अप. बहुत जन है जो अपना थम्स अप नहीं दे रहे. विश्वा, सृष्टि, अच्छा नहीं सृष्टि ने दिया मुझे, ग्रेट. ओके, सो मूविंग टू द बेसिक्स अगेन, नेक्स्ट थिंग विच वी लर्न इज द बेसिक ऑपरेटर्स. आर द बेसिक ऑपरेटर्स इन आर, कौन सी बेसिक ऑपरेटर्स हैं? वी हैव नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, आर कैन बी यूज एज अ कैलक्यूलेटर. ओके, आर कैन बी यूज एज अ कैलक्यूलेटर. व्हेन आई से दैट इट कैन बी यूज एज अ कैलक्यूलेटर, सो व्हेन आई से इट कैन बी यूज एज अ कैलकुलेटर, मतलब हम बेसिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई टू द पावर, ये सब हम यूज कर सकते हैं. क्लियर? सो लेट अस ट्राई, लेट अस ट्राई, हमने ऑलरेडी कर लिया है, लेट अस ट्राई. बिफोर मूविंग ऑन मुझे कुछ दिखाना है कि हम कमेंट्स कैसे देते हैं आर में, हैश टैग यूज करके. हैश टैग इज फॉर गिविंग कमेंट्स. कमेंट्स आर समथिंग विच आर नॉन एग्जीक्यूटेबल. कमेंट्स आर द लाइन्स विच आर नॉन एग्जीक्यूटेबल. वॉट डू आई मीन बाई दिस? सपोज मैं लिख रही हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है? नाउ इफ आई रन दिस, देखो क्या हुआ, समझो. खाली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिखा हुआ आया, इज देर एनी आउटपुट विच यू कैन सी? चैट बॉक्स में बताना, इज देर एनी आउटपुट विच यू कैन सी? नो नो.
So there are no outputs. By this we mean that these are non-executable. ये खाली होता है for you to understand कि आप आगे क्या करने वाले हो. ठीक है, ठीक है. Now there is one more very interesting part to this. Suppose मैं यहाँ लिखती हूँ operators and I give these lines. The moment I give this line, dash minus sign जो होता है, यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा है, स्मॉल एरो, छोटा सा एरो आपको दिख रहा है इधर. ये बेसिकली एक सेगमेंट क्रिएट हो गया. व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, देखो ये पूरा सेगमेंट क्रिएट हो गया था, सब कुछ हाइड हो गया इसके अंदर. अगेन व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, दिस ओपन्स अप. सो दिस इज जब हम लोग एक स्क्रिप्ट में काफी सारा कोड्स लिखते हैं तो ऐसे हम सेगमेंट्स बना सकते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स बना सकते हैं. क्लियर है सबको? ठीक है, कितना नीट लगेगा इससे सब कुछ. अलग अलग सेगमेंट्स बना सकते हैं. दिस इज प्लस माइनस. ठीक है, स्पेसेस डजंट मैटर. अगेन आई एम रिपीटिंग, स्पेसेस डजंट मैटर, स्पेसेस डजंट मैटर. फॉर क्रिएटिंग अ सेगमेंट यू जस्ट हैव टू गिव दीज डैश लाइन्स. कितने, तीन या चार से ज्यादा दोगे सो अगेन दिस सेगमेंट विल बी क्रिएटेड. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन ओवर हियर तो ये सेगमेंट क्लोज हो गया. अगेन व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ये सेगमेंट ओपन हो गया. क्लियर? क्लियर? ठीक है, जस्ट. एंड कोई भी कमेंट देने के लिए आपको ये हैशटैग देना पड़ेगा. व्हाट डू आई मीन बाय कमेंट? कमेंट कमेंट आर द लाइंस व्हिच आर नॉन एग्जीक्यूटेबल. तो अगर आप इस पूरे को साथ में रन करोगे ना तो देखो क्या आया, ऑपरेटर्स, क्या ये रन हुआ, कुछ भी इसका अफेक्ट हुआ हमारे लैपटॉप में, हमारे कंसोल में, हमारे आर स्टूडियो में? नहीं, कुछ असर नहीं हुआ. अरिथमेटिक ऑपरेटर का कुछ असर हुआ? नहीं. जस्ट दैट ये सारे जो लाइंस है इनका आपको आउटपुट मिल गया. क्लियर है? ठीक है, ओके. सो दिस इज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर. ऐसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. अगेन आई एम सेइंग स्पेसेस डजंट मैटर. चलो मैं स्पेस नहीं ले रही हूँ. अगेन यू विल गेट योर आंसर एज 15. अगर आप स्पेस लो नहीं लो डजंट मैटर, आर में स्पेसेस मैटर नहीं करता है. ठीक है, टू दी पावर 5, टू दी पावर 2, 25. क्लियर? अगर आपको और कोई तरीका है द अदर वे ऑफ यूजिंग द टू दी पावर वाला चीज, गिव दिस स्टार मार्क 2 times. गिव दिस स्टार मार्क 2 times एंड देखो आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. यू विल गेट योर आंसर एज 25. क्लियर है? क्लियर है? खुशी, सेगमेंट हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब हम आगे, आपको समझ आएगा, जब हम बहुत सारा कोड लिखते हैं ना एक ही आर स्क्रिप्ट में, तो ऐसे अगर आपके सेगमेंट्स बन जाए तो आप इस पे जब क्लिक करोगे तो देखो ये क्लोज हो जाएगा. अगेन यू क्लिक ऑन दिस, ये ओपन हो गया. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर डिफरेंट सेगमेंट्स. अभी आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, एज वी प्रोसीड, दीज आर द टू वेज ऑफ यूजिंग द सेम थिंग. Right, so these were the basic word arithmetic operators. Moving on to the next set of operators, which are logical operators. And के लिए हम ये and वाला symbol use करते हैं, और के लिए हम ये pipe operator use करते हैं. ये pipe operator आपको कहाँ मिलेगा? Enter button के ठीक ऊपर. Just check your laptop, enter button के एकदम ऊपर में you will get this pipe operator. ठीक है, नॉट के लिए वी यूज द एक्सप्लेनेशन मार्क. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर्स का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएगा. लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकल है, मतलब या तो ये ट्रू हो सकता है या तो ये फॉल्स हो सकता है. तो इसका आंसर आपको खाली ट्रू या फॉल्स में मिलेगा. दैट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर.
क्लियर है? तो लेट मी शो यू वन ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे, ठीक है. तो सपोज आई एम राइटिंग फोर अच्छा, सो लॉजिकल ऑपरेटर से पहले इट इज बेटर कि हम रिलेशनल ऑपरेटर भी समझ ले, दोनों को हम साथ में यूज करेंगे. सो रिलेशनल ऑपरेटर इज अगेन अ पार्ट इज लाइक लॉजिकल ऑपरेटर. तो यहाँ पे दीज आर द ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. इक्वल टू के लिए हमेशा याद रखना डबल इक्वल टू साइन यूज करना है. दिस इज वन प्लेस जहाँ पे मेनी ऑफ अस, इवन मे बी मी, जब मैं टाइप कर रही हूँ भूल से मैंने एक इक्वल टू दिया एंड वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है यार क्यों नहीं हो रहा, एंड इट वॉज अ वेरी स्लाइटेस्ट ऑफ एरर विच इज टू इक्वल टू का साइन हमने नहीं दिया. सो इक्वल टू के लिए हमें दो इक्वल टू का साइन यूज करना है. दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी शुड रिमेम्बर. एंड दिस इज द नॉट इक्वल टू का साइन विच इज एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू. सो विच इज योर नॉट इक्वल टू का साइन. सो वील कम टू इट. यहाँ पे लेट अस यूज डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड सी. बहुत फन है. अगेन लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स होता है. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देर आर ओनली टू आउटपुट्स. वॉट आर दोज? ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है. तो एक पहला यूज करते हैं, सपोज फोर लेस देन फाइव, क्या आना चाहिए इसका आंसर, क्या आना चाहिए इसका आंसर? ट्रू. नेहा बोल रही है फॉल्स. क्यों नेहा? फोर बड़ा होता है क्या फाइव से? फोर लेस देन फाइव, ओके. सो ट्रू. अब अगर मैं लिखूं 10 ग्रेटर देन 100, आई एम गेटिंग अ फॉल्स. एंड ये कैप्स लॉक में आ रहे हैं. आप एक चीज नोटिस करो, ट्रू या फॉल्स कैप्स लॉक में आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? आई विल कम टू इट इन दिस क्लास इटसेल्फ. कैप्स लॉक में आ रहे हैं, ठीक है. सो ट्रू फॉल्स, ओके ओके, चलो गुड. वी कैन यूज इक्वल टू. आई विल यूज इक्वल टू. फोर इक्वल टू इक्वल टू फाइव, क्या आना चाहिए, फॉल्स या ट्रू? फॉल्स, फॉल्स, ठीक है, ग्रेट. चलो फोर नॉट इक्वल टू फाइव, क्या आना चाहिए? ट्रू. ट्रू. नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट, दिस इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू फाइव. क्लियर है? फोर नॉट इक्वल टू फाइव, ठीक है. टू लेस देन इक्वल टू थ्री. ट्रू. सिमिलरली यू कैन डू ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी, इट्स द सेम थिंग, ठीक है. अब हम लोग नॉट कब यूज करते हैं? नॉट, ये वाला नॉट. सपोज आई राइट नॉट ट्रू. नॉट ट्रू क्या आएगा? फॉल्स. वेरी गुड. फॉल्स. नॉट ट्रू क्या आएगा? फॉल्स आएगा, राइट. सिमिलरली इफ आई राइट नॉट एंड ब्रैकेट में देखना मैं क्या लिखती हूँ. सिक्स ग्रेटर देन एट क्या है? सिक्स ग्रेटर देन एट क्या है? फॉल्स है. नॉट फॉल्स क्या आएगा? नॉट फॉल्स क्या आएगा? ट्रू. गुड, वेरी गुड. इसका मतलब आप लोग को समझ में आ चुका है, इसका मतलब आप लोग को ये चीज समझ में आ चुका है. क्लियर? ग्रेट, ओके. सो दीज आर द डिफरेंट लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स. एक और ऑपरेटर है गया हमारा एंड का. तो सपोज इफ आई राइट सिक्स ग्रेटर देन सेवन, ठीक है. और ये पाइप ऑपरेटर याद करो और के लिए था, एंड आई एम राइटिंग एट ग्रेटर
ग्रेटर देन 4। इसका आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू, मतलब फॉल्स या ट्रू, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो ये जो और ऑपरेटर होता है, ये जो और ऑपरेटर होता है, इसका मीनिंग है कि जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, इनमें से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। क्लियर है सबको ये चीज? और ऑपरेटर क्लियर है? लेट मी गिव यू वन मोर थिंग यहाँ पे। लेट मी डू वन थिंग। अब बताओ, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, ठीक है। फॉल्स और फॉल्स क्या आना चाहिए? वेरी गुड, फॉल्स। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला? इसके लिए एनी वन ऑपरेशन शुड बी ट्रू, एनी वन ऑपरेशन शुड बी ट्रू। किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया, प्लीज म्यूट योर सेल्स, प्लीज म्यूट योर सेल्स। ओके, क्लियर है? प्लीज एवरीवन म्यूट योर सेल्स। आई थिंक समवन हैज अनम्यूटेड, प्लीज कोई म्यूट कर दो जिसने भी। ठीक है, आई डोंट नो, प्लीज करें। चलो ओके, सबको ये डिस्टर्बेंस आ रहे क्या? हाँ ओके, यस आई नो आई कैन यूज दैट ऑप्शन, बट आई डोंट, आई कांट फाइंड कि किसने। And I सबका म्यूट है, आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम फ्रॉम माई एंड। वन सेकेंड, नेवर माइंड। ओके, सो ये सबको क्लियर है? और ऑपरेटर, एक भी ऑपरेशन अगर ट्रू है बाकी सारे फॉल्स है, हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या होता है? सेम चीज के लिए अब हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। इधर इंस्टेड ऑफ दिस आई विल गिव द एंड ऑपरेटर एंड आई विल रन दिस And I will run this. क्या आया? False. इसमें क्या होता है? All the operations should be true. All the operations should be true.
ऑल ऑपरेशंस शुड बी ट्रू, करेक्ट? ठीक है, ग्रेट, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर है सबको, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, अब हमने सारे डिफरेंट ऑपरेटर्स सीखे क्या होते हैं, बट अब हमें कोई चीज सेव करना है. लेट मी चेक कि इशू क्यों आ रहा है. ओके, ठीक है, आई एम नॉट एबल टू सी क्यों आ रहा है. चलो कोई नहीं. सबको ऑपरेटर्स क्लियर है? नाउ वील मूव टू द वेरी नेक्स्ट टॉपिक. स्मॉल टॉपिक वील डू इज हाउ टू स्टोर वैल्यूज इन आर. हाउ टू स्टोर वैल्यूज इन आर का मतलब है कि सपोज आपको ये 3 + 2 का जो कोड है वो आपको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करना था या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस में स्टोर करना था. ठीक है, तो इसको हम किस में स्टोर करते हैं? एक ऑब्जेक्ट में. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच वील कम टू इन आर नेक्स्ट क्लास. उसके पहले वील अंडरस्टैंड कि वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज वेरिएबल्स. ठीक है, वॉट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर समथिंग विच विल चेंज, which can change. So the next topic which we'll move are the different types of variables in R. ठीक है, so what are these different types of variables? What are these different types of variables? सबसे पहला is the integer. Okay, let me show you all in my PPT first. So there are four basic types of variables. Objects में हम आएंगे in our next. There are four basic type of variables. पहला is numeric. Numeric can be further divided into two, which is double and integer. क्या होते हैं हम सब में आएंगे? There are complex numbers. There are logical variables, and then there are character variables. So these are the different types of variables which we'll go in our. Clear? ठीक है, ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट विच इज योर न्यूमेरिक वेरिएबल. सो न्यूमेरिक वेरिएबल में देर इज अगेन टू डिफरेंट थिंग्स विच वी लर्न. सबसे पहले सपोज एक्स. अच्छा, तो मुझे समझाना है कि हम लोग ये जो 5 + 3 है या 2 है, वॉट एवर इट इज, इसको हम स्टोर कैसे करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं समथिंग विच इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर कैसा दिखता है? ऐसा. ठीक है, लेस देन का साइन और फिर यू गिव अ माइनस साइन. दिस इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर, लेस देन एंड माइनस का साइन. ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर. अब इसके लेफ्ट में हम देते हैं वेरिएबल का नाम विच इज एक्स. हम देते हैं वेरिएबल का नाम, कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डेमो, कोई भी नाम आप दे सकते हो, एनी नेम. ठीक है, देन यू हैव टू गिव कि इसमें आपको क्या असाइन करना है. अभी के लिए हम एक्स लेते हैं. चलो, इसमें आपको क्या असाइन करना है? सपोज हम असाइन करें 5. सपोज हम असाइन करें 5. ठीक है, इसको रन करते हैं. रन हुआ, व्हाट हैपेंड? कुछ चेंज हुआ आपके लैपटॉप में? आर में क्या चेंज हुआ? यहाँ यहाँ सबसे पहले कंसोल में देखो, कंसोल में क्या आया?
एक्स असाइन हुआ, फाइव असाइन हुआ एक्स को, ठीक है, फाइव असाइन हुआ एक्स को, बट कुछ और इसका रिजल्ट या आउटपुट आया? चैट बॉक्स में जल्दी से यूज करके बताओ, इसका जल्दी से कोई हमारे पास आउटपुट आया या फिर कुछ रिजल्ट आया? चैट बॉक्स यूज करके बताओ. नो, देर इज नो आउटपुट. बट कैन यू सी इन द एनवायरमेंट टैब की एक एक्स का वैल्यू आ गया जिसको हम फाइव असाइन करें? करेक्ट. एनवायरमेंट टैब में देर इज एक्स ऑब्जेक्ट विच हैज बीन क्रिएटेड, जिसको हम लोग ने क्या दे दिया वैल्यू फाइव. सो दीज आर कॉल्ड द वेरिएबल्स. ये जो एक्स है दिस इज अ वेरिएबल, ये जो एक्स है दिस इज अ वेरिएबल, इसमें हम क्या असाइन कर रहे हैं फाइव, इसमें हम क्या असाइन कर रहे हैं फाइव. क्लियर है? ठीक है, अब इसका टाइप समझते हैं कि ये किसका टाइप क्या है. सो इसके लिए वी विल राइट द फंक्शन टाइप ऑफ, ठीक है, ये फंक्शन है जिसके अंदर हम डालेंगे एक्स. व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स? क्या है? डबल. सार्थक इज आस्किंग कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ दिस, कैन बी यूज इक्वल टू? यस यू कैन, बट नो, हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है. क्यों? हम लोग आएंगे लेटर ऑन व्हेन वी विल डील विद फंक्शंस. हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है ताकि आर को समझ में आए कि आप एक्स में क्या असाइन कर रहे हो, फाइव. बहुत बारी क्या होता है जब आप खाली इक्वल टू यूज करते हैं तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है, सपोज यहाँ पे आपने वाई लिखा है, ठीक है, तो आर को समझ में, अगर आप यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू दे रहे हो तो आप कैसे समझोगे कि आप एक्स को वाई में असाइन कर रहे हो या वाई में एक्स को असाइन कर रहे हो? ये डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, राइट? ये डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है. आ रहे क्या? आ रहे क्या ये डिफरेंस समझ में? दिवांश? नो, राइट? सो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर. क्लियर? सो इसमें हमने टाइप क्या देखा? डबल. नाउ व्हाट इज डबल? डबल का मीनिंग होता है डबल प्रिसीशन. बाय डिफॉल्ट All the numeric variables जो हम store करते हैं वो as a double store होता है, which means double precision, which means you can use what? You can use the decimal places. You can use the decimal places. जैसे कि एक और हम function use करते हैं, class function, and हम समझते हैं कि x का class क्या है. X का class is numeric. जैसे मैंने बोला numeric में दो type होते हैं, डबल और इंटीजर. डबल इज समथिंग विच कैन टेक डेसिमल प्लेसेस, इंटीजर इज समथिंग विच विल ओनली टेक द इंटीजर वैल्यूज, इट विल नॉट टेक डेसिमल प्लेसेस. क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा क्लास है. अभी द वॉइस हैज गॉन, तो मे बी किसी ने पक्का अनम्यूट कर रखा था. ओके, नो प्रॉब्लम. तो क्लास इज न्यूमेरिक, the type of this is double. अब हम suppose इसके जगह पे लिख देते हैं 5.7. देखना, मैंने इसको करा 5.7, type of x, class is x, ठीक है, इसको run करते हैं. क्या हुआ? देखो change हो गया. तो इसका मतलब क्या है कि एक variable में खाली एक value store कर सकते हो. अगर आप उस value को change करोगे तो ये क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा. क्लियर है ये चीज? पहले 5 था, नाउ इट इज 5.7. सो इफ यू चेंज द वेरिएबल, जो भी वैल्यू है, पहले वाला डिलीट होके उसमें नया वाला वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा. ठीक है श्रीजन, यू कैन राइट योर क्वेरी इन द. Ma'am, you don't have to specify. No, you don't have to specify. We'll come to it. ठीक है, तो टाइप ऑफ वापस से रन करते हैं, एक्स का वापस से डबल आ रहे हैं, क्लास वापस से रन करते हैं, न्यूमेरिक आ रहे हैं. क्लियर है? नाउ इफ आई असाइन वाई में इंटीजर मुझे करना है, इंटीजर के लिए हमें बताना पड़ेगा आर को कि हम इंटीजर डाल रहे हैं, तो हमें एक
वर्ड यूज करना पड़ेगा विच इज एल, विच इज एल. इससे आर को समझ में आएगा कि आप इंटीजर असाइन कर रहे हो, कि आप इंटीजर असाइन कर रहे हो. ठीक है, इसको रन करो. एंड अगेन लेट अस रन टाइप ऑफ वाई. क्या आया? इंटीजर. एंड यहाँ पे क्या आया? 2L. दिस L बेसिकली सिग्निफाइज, दिस टेल्स योर आर स्टूडियो कि हम लोग क्या असाइन कर रहे हैं, इंटीजर असाइन कर रहे हैं. ये L हमें लिखना पड़ता है इन ऑर्डर टू टेल आर आर स्टूडियो कि हम इंटीजर डाल रहे हैं. अदरवाइज मैंने क्या बोला था, बाय डिफॉल्ट इट विल स्टोर एनी न्यूमेरिक वैल्यूज एज डबल. क्लियर है? अदरवाइज इट विल स्टोर एनी न्यूमेरिक वैल्यू एज अ डबल. यूज एल टू चेंज इट इनटू एन इंटीजर. नाउ सपोज, नाउ सपोज इसमें हम करते हैं 2.5 एल. अब बोल रहे हो इसको इंटीजर में चेंज करने, ध्यान देना, आप इसको बोल रहे हो इंटीजर में चेंज करने, ठीक है, पर आपने लिखा 2.5 है, तो इसका क्या होगा? देखो क्या होगा, देखो ये 2.5 आया, एल आर है क्या? नहीं, अपने आप इट इज शोइंग इंटीजर लिटरल 2.5 एल कंटेन्स डेसिमल यूजिंग न्यूमेरिक वैल्यू. सो देर इज अ वार्निंग विच यू आर गेटिंग, देर इज अ वार्निंग विच यू आर गेटिंग. अब इसका टाइप ऑफ रन करते हैं, अब इसका टाइप ऑफ रन करते हैं. अब इसका टाइप ऑफ रन करो, क्या आ रहे? डबल. इंटीजर आ रहे क्या? इंटीजर आ रहे क्या? नो नो. क्यों? क्योंकि हमने क्या लिखा? 2.5. तो अपने आप आर को लगा कि यार इसने भूल से एल लिख दिया है, ये एल होना नहीं चाहिए क्योंकि ये इंटीजर नहीं हो सकता ना, दिस इज अ डेसिमल. तो ये अपने आप डबल में चेंज हो गया. क्लियर है? क्लियर है? अगर हम इसका अब वापस इसको मैं चेंज कर रही हूँ, 2 ही लिख रही हूँ, टाइप ऑफ इंटीजर आ रहे, क्लास में क्या आना चाहिए? न्यूमेरिक. क्लास में क्या आना चाहिए? ओके, क्लास में भी इट विल गिव यू इंटीजर, क्लास में भी इट विल गिव यू इंटीजर. ठीक है, सो बेसिकली क्लास एंड टाइप ऑफ की जगह में हमेशा हम टाइप ऑफ यूज करते हैं. क्लास हम यूज करते हैं जब आगे हम पढ़ेंगे इन अ कमिंग क्लास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तब, बट इट्स द सेम थिंग, इट इज डूइंग द सेम थिंग, नो इश्यू इन दिस. समझ में आ रहा है डिफरेंस? जहां पे आप एल यूज करोगे दैट इज एन इंटीजर. बाय डिफॉल्ट अगर आप खाली 2 भी लिखते, जैसे हमने 5 लिखा था, वो डबल स्टोर होता. सो बाय डिफॉल्ट ऑल द नंबर्स आर स्टोर्ड एज डबल. अगर आपको इंटीजर में चेंज करना है तो आपको बताना पड़ेगा, आपको ये एल लिखना पड़ेगा. क्लियर? ठीक है, ओके. देयर इज अनदर वे ऑफ चेंजिंग योर इंटीजर नंबर टू एनी वन ऑफ इट इफ यू वॉन्ट टू. सपोज हमें ये इसको चेंज करना है, हमें सपोज y को विच इज 2l विच इज इंटीजर इसको चेंज करना है डबल में. ठीक है, ये जो 2l है इसको हमें चेंज करना है डबल में, तो हम लिखेंगे as dot double. लिख लो फंक्शन का नाम as dot double. चेंज दिस y. ठीक है, इसको हम डाल देते हैं z में, या फिर एक बार ये ऐसे रन करो as dot double y, इसको रन करते हैं. अब एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है जो मुझे आप सबसे पूछना है, आप लोग आंसर करना. मैंने यहाँ पे लिखा एस डॉट डबल वाई, ठीक है, ये 2 आ रहा है, 2 एल नहीं आ रहा, 2 एल आना चाहिए था ना. सपोज देखो यहाँ पे आप वाई को रन करो, जस्ट सिंपली वाई को लिखो एंड रन करो, यू विल गेट द आंसर एज 2. टू एल नहीं आएगा, बट टाइप ऑफ रन करो
प्यारे इंटीजर, हमने यहाँ पे तो इसको डबल में चेंज किया, बट ये अभी भी इंटीजर है. क्यों? क्योंकि नहीं, गलत. आपने यहाँ पे इसको डबल में चेंज किया, बट स्टिल टाइप ऑफ टू इंटीजर आ रहा है. ये कोड तो आपने रन कर दिया है. करेक्ट, बिकॉज हमने अभी तक इसको कहीं भी असाइन नहीं करा है. वाई में अभी भी 2L ही असाइंड है. वाई में अभी भी 2L ही असाइंड है. हमने खाली एज डॉट डबल एज अ फंक्शन रन करा है, हमने इसको कहीं भी असाइन नहीं किया. तो योर वाई इज स्टिल एन इंटीजर, आपने इसको अभी तक कहीं भी असाइन नहीं करा है. अब अगर आप इसको जेड में असाइन करोगे, एंड देन इफ यू चेक द टाइप ऑफ जेड, तो आपका क्या आएगा? डबल. तो जेड इज योर 2, वाई इज योर 2L. खाली ये जब फंक्शन हमने रन किया तो इससे असाइन नहीं हुआ, बट जब मैंने असाइन करा किसी भी एक ऑब्जेक्ट को तब वो चेंज हुआ. क्लियर है तमन्ना? एवरीवन एल्स, इज इट क्लियर कि पहले क्यों? अभी भी वाई इज द सेम, अभी भी वाई इज द सेम, क्योंकि मैंने वाई वाई को चेंज नहीं करा है, सुपर इम्पोज नहीं करा है. बट इफ आई डू दिस, एज डॉट डबल इज द फंक्शन जिससे कि आप कोई भी नंबर को, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को डबल में चेंज कर सकते हो. सपोज मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूं, एंड आई पुट इट इन टू वाई. ठीक है, इसको रन करें होना चाहिए. देखो मैं क्या कर रही हूँ, एस डॉट डबल वाई, वाई अभी हमारा इंटीजर है, इसको मैं वाई में ही डाल रही हूँ, तो ये चेंज होगा क्या? 2L. हाँ, ये चेंज होगा क्या ऋषिका? यस और नो? ऐसे मुंह हिलाओ ना. यस, मुझे दिख जाएगा. ठीक है, यस इट विल चेंज. सी, डिफरेंस क्लियर है सबको? क्लियर? असाइनमेंट का बेनिफिट समझ में आ रहा है कि हम जब किसी वैल्यू में असाइन करते हैं, किसी न्यूमेरिक में, सॉरी, किसी वेरिएबल में अपना वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो कैसे उसका इफेक्ट यहाँ पे आता है. क्लियर? ठीक है, ग्रेट. सिमिलरली देर इज समथिंग कॉल्ड एज डॉट न्यूमेरिक, एज डॉट इंटीजर हम लोग अभी थोड़ा बहुत यूज करेंगे, बट दो बेसिक डेटा टाइप्स हो गया, विच इज इंटीजर एंड डबल. नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट वॉज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नेक्स्ट वॉज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो ये तो बहुत सिंपल है, हम जेड में असाइन करते हैं. सपोज 3 + 2i, ये सबको पता होगा. अगर आपको नहीं पता है कॉम्प्लेक्स नंबर, नो, नेवर माइंड. आई इज समथिंग विच इज, क्या होता है आई बताओ? रूट ओवर -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो इसको रन करा, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. क्लियर है? कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरे लॉजिकल वेरिएबल्स. ट्रू फॉल्स एनए, दीज आर द रिजर्व्ड स्ट्रिंग्स इन आर. तो जब मैं बोल रही थी ना उस समय कि 4 > 5 कर रहे थे तो फॉल्स आ रहा था, एंड वो जो फॉल्स आ रहा था दैट वॉज कमिंग इन कैपिटल लेटर्स. क्यों? क्योंकि ये जो ट्रू है, ये जो फॉल्स है, ये जो एनए है, दीज आर द रिजर्व्ड स्ट्रिंग्स इन आर. इसका क्या मीनिंग है? अगर आप ट्रू में कुछ असाइन करने जाओगे तो क्या होगा? देखो, सपोज आप, पहले तो हम टाइप ऑफ करके देखते हैं, टाइप ऑफ ट्रू. ठीक है, इसको रन करते हैं. क्या आ रहे हैं? लॉजिकल आ रहे हैं? लॉजिकल आ रहे हैं? हाँ, अगर मैंने ऐसे किया होता, ए में चलो असाइन कर देते, या फिर Q1 में असाइन कर देते फॉल्स. ठीक है, एंड देन
एंड देन टाइप ऑफ Q1। आ रहे, लॉजिकल आ रहे, क्लियर है सबको? ठीक है। और ये एक चीज देखना, ये अपने आप ब्लू में चेंज हो गया है, ट्रू एंड फॉल्स। अगर इसकी जगह पे हम NA करते, Q2 में हम डाल देते हैं Na। टाइप ऑफ Q2 लॉजिकल। सो NA, ट्रू फॉल्स, दीज आर व्हाट? रिजर्व्ड स्ट्रिंग्स। रिजर्व्ड स्ट्रिंग्स का क्या मतलब है कि अब अगर कोई ट्रू को यूज करना चाहता है एज अ वेरिएबल, जैसे ये एक्स वाई जेड है, जैसे ये एक्स वाई जेड है, Q1 Q2 है, ठीक है, एज अ वेरिएबल यूज करना चाहता है, इसमें असाइन करना चाहता है 3, इसको रन करते हैं, क्या आ रहा है? देखो, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड टू द असाइनमेंट। सो बेसिकली दे आर सेइंग दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड टू द असाइनमेंट इज इनवैलिड। ऑलरेडी दीज आर रिजर्व्ड स्ट्रिंग्स। रिजर्व्ड स्ट्रिंग्स में आप अपने मन का कुछ नहीं डाल सकते, क्लियर है? ठीक है। बहुत बार ही आप लोग देखोगे, हम लोग ट्रू को कैपिटल्स में जो लिखते हैं उसके जगह में वी कैन ऑल्सो राइट कैपिटल टी। अगेन दिस इज कमिंग इन ब्लू, अगेन दिस इज कमिंग इन ब्लू, बट इसमें आप देखना वैल्यू स्टोर कर सकते हो कि नहीं। इसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। दिस इज नॉट अ रिजर्व स्ट्रिंग, दिस इज नॉट अ रिजर्व स्ट्रिंग। हम लोग आगे जाके करेंगे, जब फंक्शन हम लोग सीखेंगे बहुत सारा, तो उसमें ट्रू फॉल्स जब लिखना होता है तो हम कैपिटल टी भी जब लिखते हैं तो इट वर्क्स। सो हमेशा इट इज डिजायरेबल, मैंने बोला कि आप जब कैपिटल टी लिख रहे हो और आप उसमें 3 असाइन कर रहे हो तो ये असाइन हो रहा है, देर इज नो एरर। यहाँ पे यू आर गेटिंग एन एरर बिकॉज इट इज रिजर्व, इट इज अ रिजर्व स्ट्रिंग, बट यहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग एनी एरर, नो एरर। बाय ऑल्दो दिस इज कमिंग एज ब्लू, बट स्टिल इट ये असाइन हो जा रहा है, ये 3 असाइन हो जा रहा है। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट अ रिजर्व स्ट्रिंग, बट इट इज नेवर 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 डिजायरेबल कि आप इसमें कोई नंबर स्टोर करो। क्यों? आगे जाके प्रॉब्लम होगा। हाउ टू रिमूव, अगर आपको इसमें से टी हटाना है, नया फंक्शन है, लिखो आर एम, रिमूव, रिमूव आर एम, इसमें लिखो कैपिटल टी। देखो एंड जस्ट रन दिस। देखो टी गायब हो गया इधर से। आर एम आप कॉमा दे दे के और भी वैल्यूज रिमूव कर सकते हो। ठीक है, सपोज आई विल राइट आर एम क्यू वन एंड Q2। ठीक Q1 Q2 चला गया, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं Q3। अब इसमें देखना मैं क्या साइन करूं, अब इसमें देखना मैं क्या साइन करूं। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो 5 greater than 7 इज व्हाट, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स आया, फॉल्स आया। सो अगेन इसका अगर टाइप ऑफ रन करोगे लॉजिकल। करेक्ट है। ठीक है, समझ आया सबको। लास्ट है हमारा कैरेक्टर वेरिएबल, लास्ट है हमारा कैरेक्टर वेरिएबल। कैरेक्टर वेरिएबल इज ऑलवेज विद इन स्ट्रिंग, विद इन कोटेशंस। ठीक है, इट इज ऑलवेज विद इन कोटेशंस। तो अगर मैं डालना चाहूँ नेम,
एंड इसमें मैं डालना चाहूँ सपोज शिवांगी, ठीक है? तो देखो क्या आया, नेम क्या आया, शिवांगी। इसका टाइप ऑफ रन करते हैं, क्या आना चाहिए? तो नेम इज व्हाट? नेम इज अ वेरिएबल। वैल्यू क्या असाइन किया हमने? शिवांगी। इसका टाइप क्या है वेरिएबल का? कैरेक्टर। कैरेक्टर। नेम क्या है? वेरिएबल। वैल्यू क्या है? शिवांगी। कैसा टाइप ऑफ वैल्यू हमने असाइन किया? कैरेक्टर। एज। क्या एज कैरेक्टर होता है कि नंबर होता है? नंबर होता है, बट स्टिल मैं अगर लिखूं 23 एंड इसका मैं टाइप ऑफ रन करूं, एंड इसका मैं टाइप ऑफ रन करूं, ठीक है? क्या आ रहे कैरेक्टर? क्यों आ रहे कैरेक्टर, कोई बता सकते हैं मुझे? क्यों आ रहे कैरेक्टर, कोई बता सकते हैं मुझे? बिकॉज वी आर यूजिंग कोटेशंस, बिकॉज वी आर यूजिंग, वेरी गुड, वी आर यूजिंग कोटेशंस। इज इट क्लियर टू एवरी वन? इज इट क्लियर टू एवरी वन? ठीक है। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। एक चीज और दिखा देती हूँ आपको, ठीक है? जैसे हमने एज डॉट इंटीजर यूज करा था, वैसे ही एज डॉट डबल हमने यूज करा था। एज डॉट इंटीजर होता है, एज डॉट न्यूमेरिक होता है, एज डॉट कैरेक्टर होता है। एक चीज समझो, दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग आज सीखेंगे, एंड देन वील हैव द नेक्स्ट क्लास टुमारो। तो एज, दिस इज अ नंबर विच आई एम स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। ऑल न्यूमेरिक कॉम्प्लेक्स लॉजिकल वेरिएबल्स कैन बी स्टोर्ड एज कैरेक्टर, वाइस वर्सा नॉट ट्रू। मतलब कि आप कोई भी नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी लॉजिकल, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी लॉजिकल, कोई भी न्यूमेरिक आप एज अ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे करा एज 23, विच इज अ नंबर। सिमिलरली अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डालते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डायरेक्टली टाइप ऑफ में लेते हैं 3 + 2i। तो ये जो 3 + 2i ये कॉम्प्लेक्स है, बट हम किस में डाल रहे हैं? कोटेशंस में डाल रहे हैं। क्या आ रहा है? कैरेक्टर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम टाइप ऑफ में यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस लिखते फॉल्स, फॉल्स क्या है? लॉजिकल है, बट हम किस में डाल रहे हैं? कोटेशंस में डाल रहे हैं। क्या आया? कैरेक्टर। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, यानी कि आप कैरेक्टर को एज अ न्यूमेरिक नहीं स्टोर कर सकते, आप कैरेक्टर को एज अ कॉम्प्लेक्स, कैरेक्टर को एज अ लॉजिकल नहीं स्टोर कर सकते। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट चीज देख लो बस आज के लिए। तो मैंने बोला एज डॉट डबल हमने यूज करा था, एज में करके देखते हैं एज डॉट न्यूमेरिक एज। क्या आया? 23 आया। कोटेशंस में आया क्या? नहीं। सो दिस इज व्हाट न्यूमेरिक नाउ। यहाँ पे नहीं चेंज होगा, मैंने असाइन नहीं करा है। डू नॉट गेट कंफ्यूज, मैंने असाइन नहीं करा है। एक्स आप ले लो, वाई जेड, या फिर हम ले लेते हैं एज 1 एंड देन लेट मी रन दिस। एज 1, देखो द डिफरेंस एंड आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एज में है 23 विद इन द कोट्स, एज 1 में है 23 न्यूमेरिक। क्लियर है? क्लियर है? बताओ क्या लास्ट चीज है? लास्ट क्या क्या हम एज डॉट कैरेक्टर कर सकते हैं एक्स को? यस और नो कर सकते हैं क्या?
क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5.7 किस में आ जाएगा, कोटेशंस में आ जाएगा. ठीक है, नाउ ऋषिका विल आंसर एज डॉट न्यूमेरिक. क्या मैं नेम को एज डॉट न्यूमेरिक कर सकती हूँ क्या ऋषिका? तो मेरा नेम है शिवांगी, क्या इसको एज डॉट न्यूमेरिक कर सकती हूँ क्या? सब लोग ऐसे से करें, कैसे करेंगे भाई, एरर आएगा, एरर आएगा. एनए एनए नहीं कर सकते आप शिवांगी को. तो आपने देखा कैरेक्टर को आप न्यूमेरिक में चेंज नहीं कर सकते, हर कैरेक्टर को न्यूमेरिक में नहीं चेंज कर सकते. एज जो आपका कैरेक्टर था उसको आपने न्यूमेरिक में चेंज कर दिया, ठीक है, बट दिस इज अ कैरेक्टर, इसको आप न्यूमेरिक में नहीं चेंज कर सकते. सो नॉट ऑल द कैरेक्टर्स कैन बी चेंज्ड टू न्यूमेरिक और कॉम्प्लेक्स और लॉजिकल. क्लियर है? ऑल द न्यूमेरिक, ऑल द कॉम्प्लेक्स, ऑल द लॉजिकल कैन बी चेंज्ड टू कैरेक्टर, बट नॉट ऑल कैरेक्टर वैल्यूज कैन बी चेंज्ड इनटू न्यूमेरिक, कॉम्प्लेक्स, लॉजिकल. ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ हमने देखा कि ये चेंज हो गया था आराम से, बट ये नहीं चेंज हो रहा. लास्ट, वेरी 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 लास्ट थिंग, मैं बहुत लास्ट बोल रही हूँ, आई नो. ट्रू, ट्रू इज वॉट, ट्रू इज वॉट, ट्रू इज लॉजिकल. इसको करें न्यूमेरिक में चेंज, देखना क्या होगा. वन चेंज हो सकता है. ट्रू इज टेकन द वैल्यू ऑफ वन, फॉल्स विल टेक अ वैल्यू ऑफ जीरो. False will take a value of zero. याद रखना मैं इन सबको किसी चीज में असाइन नहीं कर रही हूँ, तो ये सब चीज याद रखना. यहाँ पे नेम अभी भी शिवांगी है, एक्स अभी भी एक नंबर है, डबल है. सो आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग ओवर हियर, आई एम नॉट असाइनिंग इट. क्या आ रहा है? जीरो. फॉल्स इज टेकन एज जीरो, ट्रू इज टेकन एज वन. सो अगेन अगेन आप क्या कर सकते हो, लॉजिकल को नंबर में चेंज कर सकते हो, बट सारे नंबर को क्या लॉजिकल में चेंज कर सकते हो? नहीं नहीं ठीक है. सो यू कैन यूज एज डॉट न्यूमेरिक, एज डॉट डबल, एज डॉट इंटीजर, एज डॉट कैरेक्टर, एज डॉट डबल, एज डॉट कॉम्प्लेक्स टू चेंज ऑल ऑफ दीज नंबर्स. ठीक है. हाउ कैन यू ऑल्सो यूज दीज नंबर्स विच यू हैव, सपोज एक्स और वाई, आप इस पे भी कैलकुलेशन लगा सकते हो. एक्स प्लस वाई 7.7, एक्स माइनस वाई यूजिंग वेरिएबल्स. ठीक है, सारे कैलकुलेशन आप इस पे कर सकते हो. एक्स ग्रेटर देन वाई, फॉल्स आएगा कि ट्रू, जल्दी से बताओ. एक्स ग्रेटर देन फाइव, फॉल्स आएगा कि ट्रू? ट्रू, वेरी गुड, ट्रू. ठीक है, सो यू कैन यूज इट दिस वे ऑल्सो. हमने वैल्यूज को कन्वर्ट करना भी सीखा, कन्वर्ट द वेरिएबल्स, एंड हमने हाउ टू यूज दीज वेरिएबल्स वो भी हमने देखा. In our next class, we'll be starting with basic functions. There are a few assignments which you can use. देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है. ये जो check variables है, एक छोटा चीज और कर लेते हैं. How to check the variables? आप check कर सकते हो कि आपके variables तो होने चाहिए वो है कि नहीं. ठीक है, this is very again a very simple thing, very small thing. Check the variables. How do you check? Is dot numeric का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स आएगा. तो अगर इसमें हम एक्स डालें, क्या ये न्यूमेरिक है? ऋषिका, ऋषिका को नींद आ रही है, क्या ये न्यूमेरिक है? यस. व्हाट आर यू गेटिंग? ट्रू. इज डॉट न्यूमेरिक में अगर हम डालें Q3, क्या आएगा ऋषिका? ऋषिका बहुत हो गई, रितिका क्या आएगा? रितिका, होम एवर आई कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैं उससे पूछ रहा हूँ. इज डॉट न्यूमेरिक Q3, Q3 इज फॉल्स विच इज लॉजिकल. तो ये क्या आना चाहिए? न्यूमेरिक है क्या ये? नहीं, फॉल्स आएगा.
ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन चेक योर वेरिएबल्स. इज डॉट कॉम्प्लेक्स सेट ट्रू. इज डॉट कैरेक्टर ट्रू. क्लियर है? हाउ डू यू यूज डिफरेंट वेरिएबल्स? अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे कर सकते हो इस पे? लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे कर सकते हो? चेक कैसे कर सकते हो और चेंज कैसे कर सकते हो? इज डॉट इंटीजर. इज ट्रू भी एकदम सेम है कि वो चीज ट्रू है कि नहीं. इज ट्रू इसके अंदर अगर मैं लिखूं, इसके अंदर अगर मैं लिखूं सपोज फॉल्स, क्या फॉल्स ट्रू है? क्या फॉल्स ट्रू है? नहीं, फॉल्स ट्रू नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स. ठीक है, थोड़ा फनी है ये, बट बहुत इंटरेस्टिंग है इफ यू अंडरस्टैंड दिस. अगर मैं इसके अंदर ट्रू लिखूं, क्या ट्रू ट्रू है? यस ऑब्वियसली ट्रू. लास्ट एकदम. चलो अब सच्ची में प्रॉमिस लास्ट. अब इसके अंदर मैं लिखती हूँ 5 greater than 8. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है. तो इज ट्रू, क्या ये ट्रू है? नहीं. आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स. क्लियर? देयर इज वन क्वेश्चन. आई का न्यूमेरिक एज इन जेड. आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन श्रीजन. ठीक है, सो देर आर अ फ्यू असाइनमेंट्स. ये हम कल करेंगे बेसिक फंक्शंस. सो यू कैन यूज दीज दिस स्मॉल एक्सरसाइज. ये वाला मत करना, ठीक है? ये वाला एक्सरसाइज आप कर सकते हो. सो देर आर टू एक्सरसाइजेस विच आई हैव गिवन. ये वाला मत करना, पहले वाला. ये वाला आप कर सकते हो, ठीक है? 1, 2 and 3. मेक श्योर यू डू इट बिफोर टुमारोज क्लास सो दैट वी कैन डिस्कस योर डाउट्स. ओके, आई विल अपलोड इट इन द ड्राइव, आई विल फॉरवर्ड यू ऑल. तो ये वाला असाइनमेंट मेक श्योर आप करते हो, कर लो, ठीक है? ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन जस्ट पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स एंड वी आर गुड टू गो फॉर टुडे. Devansh, mostly we'll be using, so he's asking what is the difference between the use of double and integer. We'll be basically using double hamesha. Integer rarely use hota hai, theek hai? But integer is something which can only contain integer values. Usme hum decimal values include nahi kar sakte. That is the only difference. Theek hai? Okay. So thank you so much. Tomorrow we'll have the class again at the very same time. I will inform you in the group. 5:30 जैसे आज था वैसे हमारा कल का क्लास होगा. Thank you all. ये script मैं save करके आप लोग को send कर दूंगी. And this PPT, make sure you all do this last assignment which is there. Thank you so much.